आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमिटी की लालटेन के 580वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद शंकराचार्य, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, गत वर्ष में ब्रह्मलीन हुए थे, उनके पितृधाम दिघोरी में हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर उनके द्वारा एक देवालय की स्थापना कराई गई। हमारे पीछे देवालय जो आप देख रहे हैं, ये स्फटिक का सबसे बड़ा शिवलिंग यहाँ पर है। तीज हरतालिका तीज के दिन उनका वे इस धरा पर आए थे, इसलिए हरतालिका तीज के अवसर पर उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। आज भी यहाँ पर जगतगुरु का जन्म दिवस मनाया जा रहा है और आज हम यहाँ पर जो भी यहाँ पर हमको मिलेगा हम उनसे बात करेंगे। बहुत सारे आखिर ये किस तरह से उनका जन्म शताब्दी, ये 100वां जन्म दिवस है, उनका जन्म शताब्दी किस तरह से मनाई जाएगी, ये हम आपको अभी चर्चा कर बताते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। जगतगुरु की जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, इस संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जगतगुरु ब्रह्मलीन शंकराचार्य सरस्वती महाराज श्री की आज 100वां हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं। गुरु का जिस जगह में हम लोग खड़े हैं, ये हमारे गुरु जी की जन्म स्थली है और हम गौरवान्वित हैं कि उन्होंने हमारे ज़िले में मेरी विधानसभा, जहाँ से मैं विधायक हूँ, जहाँ उन्होंने जन्म लिया, और ऐसे गुरुओं के मातृभूमि में खड़ा होकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पिछले वर्ष उनका निधन होने से हमारा पूरा जिला क्या, पूरा देश क्या, सभी समाज सभी धर्म के अभिलंबी उनसे जाने के बाद बड़े दुखी हैं। और आज हम इसको खुशी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं कि गुरुदेव का 99 साल हम लोगों के ऊपर, सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहा, सानिध्य मिलता रहा, और ऐसे गुरुओं का धरती में जन्म लेना, कई लाखों सालों के बाद ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं, ऐसे गुरुओं को चरणों में पुनः मैं अपना सादर सुमन अर्पित करता हूँ। एक यहाँ चर्चा चल रही थी कि पंडोल के पास से अगर दिघोरी आया जाए तो सड़क पूरी जर्जर हो गई है। गुरुदेव जब तक थे, जब तक ब्रह्मलीन नहीं हुए थे, तब तक ये सड़क की देखरेख होती थी, साल भर से किसी ने देखरेख नहीं की। इस तरीके की चर्चाएं भक्तों के, देखिए प्रधानमंत्री सड़क में जो आई थी उसको उस समय बनवाया था, इसके लिए फिर से रिन्यूवल का भी लगा हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में जैसे ही हमने दिवाली के बाद के लगभग खुल जाएगा, इसका फिर से रिन्यूवल का टेंडर शीघ्र हो जाए और ये रोड पुनः हमारी निर्माणित हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ इसको हम चौड़ा करड़ के लिए भी उसका प्रावधान रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ये जो हमारी स्फटिक की जो मूर्ति है भगवान रत्नेश्वर जी की, ये विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति होने के नाते और गुरु जी के द्वारा ही स्थापित की गई है, तो यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं। अब ये मार्ग चौड़ा होना चाहता है, डबल मार्ग होना चाहता है, और हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हम इसमें डबल मार्ग निर्माण कराने में प्रयास करेंगे। क्या कार्यक्रम है आज? जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जी का आज 100वां जन्म दिवस है। तीजा के दिन उनका जन्म हुआ था और उसी उनके जन्मदिवस को मनाने के लिए हम सब यहाँ आज दिघोरी धाम में एकत्रित हुए। जन्म शताब्दी में और क्या कार्यक्रम यहाँ पर जगतगुरु के होंगे, चूँकि ये उनकी जन्मस्थली है, यहीं उनका बचपन बीता है, पितृधाम भी यही, मातृधाम भी यही है इसी जिले में, तो और क्या कार्यक्रम हो सकते हैं? देखिए, जो भी यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, अभी पूरे गाँव में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसके साथ साथ आज परमहंसी में जहाँ जो गुरु जी की कर्मस्थली रही है, ये जन्मस्थली है, और परमहंसी जो गोटे गाँव में है वहाँ उनकी कर्मस्थली है, वहाँ भी एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम सब लोग यहाँ से अभी इस कार्यक्रम में शामिल होके वहीं जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ कोई जगतगुरु शंकराचार्य का कोई उनका परम शिष्य या उनके कोई शिष्य जो संत हों वो अभी आज यहाँ नहीं है? नहीं, क्या है कि मैं बताया अपन, क्योंकि कर्मस्थली उनकी वहाँ है, तो वहाँ सभी जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी स्वामी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो अभी शंकराचार्य
शारदा पीठ के, क्योंकि वो वहाँ पे विराजमान है, चातुर्मास चल रहा है, तो चातुर्मास के चलते कोई भी संत जो है वो जहाँ पे चातुर्मास करते हैं वहीं रहते हैं। संत नहीं करते हैं या दंडी स्वामी नहीं करते? दंडी स्वामी यानी जो एक मर्यादा है दंडी स्वामी लोगों की, भाई सीमा का उल्लंघन नहीं करते हैं चातुर्मास में, तो इसीलिए वो वहीं पे है। अभी हमारे यहाँ एक और संत आए जो त्रिदंडी स्वामी हैं, वे इधर से उधर घूम रहे हैं, तो क्या वो सीमा उल्लंघन कर रहे हैं? नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि ऐसे कौन से। अभी रामभद्राचार्य महाराज सिवनी आए थे, वो त्रिदंडी स्वामी है जैसा बताया जा रहा है, वे दंड लेकर चलते हैं। सीमा उल्लंघन जैसा आपने अभी बताया कि दंडी स्वामी सीमा उल्लंघन नहीं करते, अगर वे सीमा उल्लंघन कर रहे हैं तो इस बारे में क्या? अब देखिए, वो संत हैं, रामकथा करते हैं, लेकिन रामकथा के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया और एक व्यक्ति विशेष के लिए वोट देने के लिए उन्होंने कहा, तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा है, लेकिन किसी भी संत को या किसी भी बड़े साधु को सिर्फ अपने धर्म की बात करना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का या किसी पार्टी का राजनीतिक प्रचार करना मैं नहीं समझता कि उचित है। देखिए, अब ऐसा है कि महाराज जी जो हैं हमारे गुरु हमेशा ही होते हैं, तो वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और वे जेल में भी रहे आज़ादी की लड़ाई की। तो चूंकि उस समय जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय एक ही पार्टी थी, वो कांग्रेस पार्टी थी, और उसी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो जब उस समय कोई दूसरे थे ही नहीं, तो इसलिए चूंकि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बाद में कांग्रेसी, क्योंकि कांग्रेस ही लड़ रही थी लड़ाई वो, उस समय तो जो भी उसमें शामिल थे सब कांग्रेसी कहलाते थे, कोई भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय सेवक स्वयंसेवक संघ तो कोई लड़ाई लड़ नहीं रहते आज़ादी की। आप जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य रहे हैं, अभी भी आज भी आज भी हैं, मेरे एक ही गुरु हैं, आपके एक ही गुरु हैं, और आपने कभी उनकी परम शिष्य रही विमला वर्मा, कभी किसी मंच से कभी आपने सुना कि उन्होंने विमला वर्मा को जिताने की अपील की हो? उनकी मानस पुत्री मानी जाती थी कल्याणी पांडे, उनको जिताने की उन्होंने कभी अपील की हो? नहीं नहीं महाराज जी, फिर कांग्रेसी का उनके ऊपर एक, वो भी उनके देवलोक गमन करने के बाद। अब एक चीज देखिए कि जैसे उनको हमारे जिले में लाया गया, अब जिले की गतिविधियों के बारे में या अपने खुद का प्रचार करने के लिए किसी को कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, तो मेरा ये मानना है कि उनसे शायद ये कहलवाया गया होगा कि साहब ऐसा कह दो। वे 70 के ऊपर शायद उनकी आयु हो, और उनसे अगर कोई कहलवा रहा है तो वो कोई छोटे बच्चे तो नहीं है कि कोई कुछ कहलवा ले। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो प्रज्ञा चक्षु उनको उपाधि है और बहुत विद्वान है वो, लेकिन मेरी खुद की समझ में ये नहीं आया कि उनके मुख से कैसे इस टाइप की बातें निकल गई, और एक दिन नहीं निरंतर निरंतर वो ये बात को कहते रहे, तो मुझे लगा कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक प्रचारक के रूप में आए हैं, ना कि कथावाचक के रूप। मतलब आप ये मान रहे हैं वो राम कथावाचक की बजाय भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक ज्यादा थे? नहीं, वो तो खुद ही उन्होंने सिद्ध किया, मैं उसमें मेरे मानने और मानने से कुछ नहीं होता, वो खुद ही उन्होंने सिद्ध किया है, निरंतर वो इस बात को कहते रहे, नाम ले लेके कहते रहे कि फलाने प्रत्याशी को आप वोट दीजिए, मैं उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाऊंगा। तो क्या ये लोगों की चर्चा, लोगों के बीच ये भी चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ के बाद कोई और सन्यासी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि ये ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है मंत्री बनाना? जी जी, अब ये तो उन्हीं से कोई बता पाएंगे इसको, कैसे उन्होंने गारंटी ली उस चीज की कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, ये तो वही कह सकते हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार ही होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल विशेष अधिकार तो होता ही है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वही अपनी कैबिनेट बनाता है, लेकिन हो सकता है। लेकिन कुल मिला के मुझे ये लगा कि ये जो राम कथा है, ये कथा कम और प्रचार ज्यादा रहा इसमें, और पार्टी विशेष का व्यक्ति विशेष का रहा, और ये भी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से वहाँ पर यानी दिखावा किया गया। जगतगुरु शंकराचार्य को कांग्रेसी कहा गया, और उसके बाद आप चूंकि उनके शिष्य, आपकी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ पाई? देखिए, ये धार्मिक मामला है, और चूंकि धर्म के मामले हमें बहुत कम समझ है, इतनी हमें समझ है कि राम कथा या राम का चरित्र, राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, राम ने जिन मर्यादाओं को अपने जीवन में पालन किया, उन यदि कोई व्यक्ति उन आचरणों को अपने जीवन में उतारता है, तभी वो रामकथा सुनने या रामकथा करवाने का अधिकारी बनता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो मैं नहीं समझता कि जो कथा के आयोजक थे उनमें भी कोई राम का आचरण दिखता हो किसी को।
राम ने तो अपने परिवार के लिए 14 साल का वनवास झेला। किस आधार पे आप ये बात कह रहे हैं कि उनके अंदर नहीं दिखता है? नहीं, नहीं दिखता। देखिए, पारिवारिक जो उनके विवाद चल रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि राम का आचरण तो उनके बीच में नहीं है। राम ने अपने परिवार की मर्यादाओं के लिए, अपने पिता के आदेश के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया, लेकिन इनके यहाँ जो पिछले सालों में जो दृष्टांत दिखा है इनके पारिवारिक वातावरण में, उससे मुझे नहीं लगा कि, और मुझे ये भी नहीं लगा कि हो सकता है ये सब बातें उनसे छुपाई गई हों। जो आए थे अभी हमारे आचार्य रामभद्राचार्य जी, बहुत विद्वान है वो, मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका। मुझे लगता है शायद उनसे कुछ चीज़ें छुपाई गई, वास्तविकता उनसे छुपाई गई। तो यदि राम कथा जो कर रहे हों और ऐसे व्यक्ति के आए जो कहीं से भी राम के आचरण को, उसके जीवन में कहीं भी कोई स्थान नहीं है। एक और सामान्य आरोप है कि जो राम कथा कराने वाले थे वो कहीं ना कहीं मद्य शराब के व्यवसाय से भी जुड़े हुए। अब देखिए, ये तो सभी जानते हैं, ये कोई मेरे बोलने की बात नहीं है, सभी जानते हैं कि वो शराब का व्यवसाय करते हैं, तमाम तरह के उनके व्यापार इसी तरह के हैं। ये सब चीज़ें शायद मुझे लगता है कि छुपाई गई होगी उनसे। उनको यदि पता होता कि यदि इनका ऐसा व्यवसाय है तो शायद, मेरा ये मानना है कि शायद वो यहाँ राम कथा करने नहीं आते। बहुत शुक्रिया। सिवनी विधायक दिनेश राय से भी हमने चर्चा करी, साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के शिष्य राजकुमार खुराना, जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमने चर्चा करी। और जो भी यहां पर चर्चाएं चल रही हैं उस संबंध में बात उनसे की गई। राजकुमार खुराना ने बहुत बेबाकी के साथ राम भद्राचार्य महाराज की राम कथा के बारे में उनके द्वारा कहा गया, पहली बार संभवतः इस तरीके की बात उनके द्वारा कही गई होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन अगर आप देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर आप जाकर इसे देख सकते हैं। रोजाना सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 581वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।